अस्सलामुअलैकुम। पिछले हफ्ता आप लोगों को मैं बताया था हम लोग इस तरह रखे, अभी हम लोग इस तरह पहुँच चुके हैं। ये बाहर से इस तरह कैसा दिखता है ये देखिए, और ये मिस्टर सोन सोन। सलाम अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। और हम आए आज इस तरह, आज फ्राइडे का सुबह है, जुम्मा पढ़ के हम आए। थैंक यू। ये बैठने का जगह है और ये बच्चे लोग का रहने के लिए। माशाल्लाह तबरकल्लाह अल्लाह माशाल्लाह जाहिन हिना اللهم صل على محمد التمامة طريقة التمامة جاي في الاستراع ان شاء الله ما شاء الله تبارك الله والجماعة كله موجودين اخوان اولاد وحبايب وزملائي كله بالبركة ان شاء الله الله يحفظهم سلام مو تو دیکھا بھائی تو دیکھ رہا ہے نا اس کو سمجھ میں اتا سب دیکھنا چاہتے ہیں جو دیکھ رہے سب کو سمجھ میں ائے کہ کون موتر دس از مبرول یار مائی یونگر برادر مبرول ससुर जी है छोटा पैकेट बड़ा धमाका माशाल्लाह फुलूस गुरुज 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 ये देखिए बारबेक्यू करने के लिए बारबेक्यू करना है तो उसका भी सुविधा है। अस्सलामुअलैकुम माशाल्लाह मबरूक। कहाँ पे आए भाई? ये तो भाई क्या कहते हैं उसको, इस तरह में आया हूँ। इस तरह जी क्या नाम है उसका, जगह का नाम क्या भूल गया मैं, तुमामा। इस तरह में आया हूँ, सब उनके पांच छह फैमिली आया हूँ माशाल्लाह, बहुत अच्छे हैं और एंजॉय होगी इंशाल्लाह। व्हाट इज योर नेम? Where are you going? Say Istara. Istara. We will enjoy today, no? Yes! Very much enjoy. Yes! Very good. You will swim? Yes! Adnan? My name is Adnan and we are in Istara. And now we will enjoy and we will swimming. In water. Very good. My name is Rayyan Dawood Islam. I know Istara. Hello, my name is Rahim. Today we are in Istara. I will swim. You will swim? अस्सलामुअलैकुम। अभी नाश्ता कर लिया मैं, चाय पी के अभी स्विमिंग पूल में उतरने वाला हूँ। तो दरअसल मैं बच्चे लोग का साथ स्विमिंग करूँगा, काफ़ी दिन हो गया बच्चे लोग का साथ अभी स्विमिंग नहीं हुआ। तो Ah!
Zain, 1 minute. Sorry. Hada sor sori. Mamu, kita kai tera. Sor sori mamu. Sor sori ni. Hada birin jao. Hada birin jao. Sa. Sor sori wala Asaya Mahmoud. Hi, how are you? Oh, please subscribe to my brother channel. And it's just a be happy. Ishq ke naam se dar lagta tha dil ke naam se dar lagta tha aashiq ho hai mere saath ho gayi aashiq ho hai mere saath ho gayi क्या गेम चल रहा है ये क्या होता है अभी हम लोग जल्दी जल्दी खाना खा लेते और खाना हम लोग सब घर का बना हुआ लाए सब अपना अपना घर से बना कर के लाए और सब एक साथ मिल के खाना एंजॉय किए अप्रिल और जाइन व्हाट यू आर प्लेइंग आज एक नया मेहमान से मिला थे डॉक्टर यास्मीन अस्सलाम वालेकुम जी आप इधर सऊदी में कितने साल से 10 साल से हूँ क्या कर रहे हैं आप मैं डॉक्टर हूँ कहाँ पर नेशनल गार्ड पर हाँ अच्छा अच्छा तो आपका सिटीजन सिटीजन यूएस सिटीजन यूएस सिटीजन हाँ और इंडिया कहाँ इंडिया चेन्नई की हूँ चेन्नई की हाँ और आपके बच्चे उच्चे कितने बच्चे 3 हैं माशाल्लाह तीनों 2 बड़े बच्चे वहाँ यूएस में हैं शिकागो में पढ़ाई कर रहे हैं और तीसरा जो है वो छोटा है वो 12th स्टैंडर्ड में है यहाँ रियाद में साथ में है हाँ वो साथ में है हाँ हाँ कौन से डिपार्टमेंट में हाँ मैं इंटरनल मेडिसिन हूँ और सब स्पेशलिटी है जीरियाट्रिक्स यानी बुढ़ापे का यानी 65 साल से ज़्यादा ज़ईफ लोग हैं ना वो मेरी असल स्पेशलिटी है मतलब ज़ईफ लोगों को मतलब जवान बनाना मतलब एक तरह से हाँ सही है ना उसे मिलके कैसा लगा आपको बहुत खुशी हुई बहुत ही हसमुख लोग हैं और दिल के साफ लोग हैं और अच्छा से खिलाए माशाल्लाह ऐसा ऐसा पकवान मैं कभी नहीं टेस्ट करी तो बहुत मज़ा आया मुझे ये 2 घंटे जो गुजारी हूँ मैं बहुत मज़ा आया अल्लाह आप लोगों को सब खुश रखे आपके बच्चों को सब हमेशा नसीब नेक करें और खुश रहें आमीन आमीन आपके हस्बैंड क्या करते वो कंप्यूटर इंजीनियर हैं कहाँ पर वो किंग फहद मेडिकल सिटी में है डॉक्टर इंजीनियर वो किधर किंग फहद पे हाँ किंग फहद मेडिकल सिटी अच्छा हाँ
और मेरे भाई अम्मी सब भी यहाँ पे हैं। भाई की फैमिली भी यहाँ से 15 साल से है और अम्मी अबू मक्के के हैं लेकिन अभी यहाँ पे हैं अबू। सऊदी अरब का लाइफ और उधर यूएसए का लाइफ में हाँ बहुत फर्क है, यानी यहाँ के लाइफ में ना वो यहाँ पे भी वो प्लस पॉइंट है और वहाँ पे भी प्लस पॉइंट है। यहाँ पे मेरी फैमिली है, भाई की फैमिली है, अम्मी अब्बू हैं, तो यहाँ पे वो फैमिली का कनेक्शन मिल जाता है। लेकिन वहाँ यूएस में जो है वो वहाँ का सिस्टम अच्छा है, यानी हर चीज़ का कोई सिस्टम होता है, करप्शन इतना नहीं है और हर चीज़ मुसलमान भी आजकल ज़्यादा हैं वहाँ पे, तो इस्लाम भी पहल रहा है, तो दीन के हिसाब से भी माशाल्लाह आजकल काफ़ी मुसलमान वहाँ पे हैं, तो दीन की भी इतनी कमी नहीं महसूस होती है, तो बहुत सिस्टमेटिक है उधर भी है बहुत। हाँ फैसिलिटीज़ हैं अल्हम्दुलिल्लाह, तो हर कोई वहाँ पे अगर ज़िंदगी में अगर हो सके तो एक बार चक्कर लगाएं, तो बहुत आपको भी उससे ना नज़र आता है कि क्या वहाँ पे क्या फ़ायदे हैं, लेकिन मेहनत खूब करनी पड़ती है वहाँ पे, यहाँ पे भी, लेकिन वहाँ मेहनत का फल मिलता है आपको, कोई वो डिस्क्रिमिनेशन ज़्यादा नहीं है, तो करप्शन भी ज़्यादा नहीं है, मेहनत करो तो जरूर आपको उसका फल मिलेगा। आपको इंडिया अच्छा लगता है या यूएसए अच्छा लगता है या सऊदी अच्छा लगता है? समझो मेरा जिस्म इंडिया का है, दिल सऊदी का है, दिमाग अमेरिका का है। मैं हमेशा हर चीज़ हिसाब करती हूँ, मैं 10 कदम आगे हिसाब करके ही मैं कोई कदम लेती हूँ, कुछ बोलना भी है। ऐसा नहीं लगता वो माशाल्लाह आप खुशनसीबों से एक हैं। हाँ बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, और अब आप लोग मिले हैं तो और भी मुझे पैदा इंडिया में हुए, माशाल्लाह इंडिया भी बहुत अच्छी है अल्हम्दुलिल्लाह सब माशाल्लाह। मोदी ने थोड़ा बहुत खराब कर दिया वो अलग बात है, लेकिन सऊदी में रहे। हाँ भाई है, बड़े भाई हैं वो 4 सीजन्स में, वो भी अमेरिका में नहीं वो यहाँ के हैं। हाँ यहाँ 4 सीजन पे, 4 सीजन्स पे वो मार्केटिंग के डायरेक्टर हैं वो, तो वो वहाँ पे 15 साल से हैं माशाल्लाह। हाँ तो वो मेरे भाई हैं, और अम्मी अब्बू तो मक्के में थे, पहले मदीने में थे, तो हम लोग जब छोटे थे तो मदीने में पले हैं, पहले मदीने में फिर मक्के में, और फिर मैं शादी करके उधर गई, वहाँ पे कोई 20 साल थी, तो फिर अभी यहाँ पे आई हूँ, तो सारी दुनिया समझो चक्कर लगाई हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। यहाँ पे जो है बरकत है खाने में, खुशी में, सब में लोग अच्छा दिल खोल के हंसते हैं। अमेरिका में 10 कदम सामने सोचना पड़ता है, पीछे भी सोचना पड़ता है, तो इतना अच्छा दिल खोल के हंस नहीं सकते तो अल्हम्दुलिल्लाह, तो काफी फायदे हैं, हर जगह का फायदा है। लेकिन आप जैसे पहले मिलना चाहिए तो बहुत लेट हम मिले। हाँ नहीं देर आई तो दुरुस्त आई। हाँ अभी भी कोई नहीं, इंशाल्लाह मैं आपको। और खाना कैसा लगा आपको? जी हम लोग का आसाम वाला खाना कैसा लगा? ओ जबरदस्त, पहली बार मैं असम के लोगों को और खाने का मैं आज तजुर्बा की, और अरे बाप एकदम, वो बम्बई में बोलते हैं ना बिंदास, एकदम बिंदास एकदम बिंदास और छकास एकदम, एक तरह से पागल लोग हैं। नहीं अच्छा है ना, खुश है वो पागलपन तो ना वो चनी लोगों को नसीब होता है। आप दुनिया में देखो सारा डिप्रेशन इतना फैला हुआ है, लोग गोलियां लेते हैं खुश रहने के लिए, और माशाल्लाह दिल से अगर आप हंस सकते हैं ना तो ये भी अल्लाह की एक नियामत है। लेकिन हमारे रिश्तेदार जितने हैं भाभी इनके समझ में नहीं आता कौन किसका क्या रिश्ता, सब एक जैसे, सब एक फैमिली है। हाँ बिल्कुल कोई बिल्कुल, अब देखो अब मद्रास और असम और दिल्ली और पता नहीं सब हम एक फैमिली है, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। आप तो डॉक्टर है तो मेरा व्यूअर्स के लिए आप क्या मशवरा देने चाहेंगे, कैसा रहना चाहिए या जी। ये अभी मौसम चेंज हो रहा है कोरोना वायरस का भी, हाँ क्या हाँ पोजीशन है थोड़ा बताइए। बिल्कुल बिल्कुल जी, बस एहतियात ज्यादा करें, कोई कोरोना का अब देखो
ऑलमोस्ट एक साल हो रहा है, अब तो 10 महीने, अब तो 11वां महीना चल रहा है और इलाज एक भी नहीं निकला। रिसर्च तो मिलियंस ऑफ डॉलर्स उस पर खर्च हो रहे हैं, अमेरिका में हो या लंदन में हो, जहाँ भी हो, सारी दुनिया में खर्च हो रहा है पैसा रिसर्च पे, लेकिन इलाज एक भी अभी तक कोई ढूंढ के निकाल नहीं सका। तो एहतियात ही सबसे बड़ी चीज़ है। तो वही जो बोलते हैं, हमेशा मास्क पहन के रखा करें, जब बाहर निकलते हैं तो मास्क पहने, और जब भी भीड़ में जाएंगे तो कोशिश करें एकदम करीब करीब ना हो, सोशल डिस्टेंसिंग रखो और हमेशा सफाई रखो, हाथ हमेशा वो सैनिटाइज नहीं, बस साबुन पानी से भी हाथ धो लो, और इस तरह से एहतियात ही है सबका बड़ा इलाज। अच्छा, तो अंग्रेजी में बोलते हैं प्रिवेंशन इज़ बेटर देन क्योर, तो वो तो 100% कोरोना के लिए अप्लाई होता है, क्योंकि क्योर तो है ही नहीं, तो इंशाल्लाह बस एहतियात ही करना है, और बाकी का बस अच्छा से खाओ, कुछ भी एक्सट्रीम पे मत चले जाओ, चाहे एक्सरसाइज हो या डाइट हो, एक्सट्रीम पे मत चले जाओ, बस मिडिल पैथ पे हो, ताकि आप वो कंसिस्टेंटली आप फॉलो कर सकेंगे, है ना। तो बस खुश रहो, अपना दिल हल्का रखो, और असम वाले लोगों से काफ़ी दोस्ती रखो, क्योंकि काफ़ी फ़ायदे हैं उसमें। बस 2 ही घंटे में मुझे इतने सारे फ़ायदे नज़र आ गए, तो ज़रूर आसपास में कोई अगर असम के अगर नज़र आए तो ज़रूर उनके दोस्ती का हाथ बढ़ाएं। शुक्रिया आपका। रिपब्लिक टीवी। रिपब्लिक टीवी का नाम मत लो भाई। I'm going to go to the hospital.